आप समझ लीजिए तो केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है तो हम पहले करा अरे है जिसको वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है तो अटल जी के साथ तो उन्हीं का पटिया लोग तीन चार महीना पहले चुनाव करा दिया था हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था वो अलग बात है तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है देख रहे न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात की रट लगाए बैठे हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है और जो चुनाव अगले साल यानी कि साल 2000 24 में होना है वो इसी साल संपन्न कराया जा सकता है शुक्रवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये बातें कही तो लोगों के होश उड़ गए बिहार की सियासत में हलचल मची पड़ी है कि आखिरकार बिहार के सीएम इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है और आने वाले भविष्य में देश की राजनीति की स्थिति क्या होने वाली है ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक बात की रट ही क्यों लगाए बैठे हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है कहानी क्या है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ी उलट फेर हो सकती है क्या सचमुच साल 2023 में लोकसभा का चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कितना नफा और कितना नुकसान होगा जानते हैं दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दूसरी बार कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ऐसा संभव है बार बार नीतीश कुमार के मुंह से ये बातें क्यों निकल रही है या तो उनका कोई बहुत ही करीब का आदमी बीजेपी के नीति निर्धारक लोगों में शामिल है जो बीजेपी की योजनाएं उन तक पहुंचा रहा है या फिर नीतीश कुमार खुद बीजेपी के संपर्क में है जिससे बीजेपी के भीतर खाने की बातें उन्हें मालूम है हालांकि की पहली बार जब उन्होंने बात कही तो उनका मकसद राज्य सरकार की योजनाओं को समय से पहले पूरा करने के लिए काम पूरा कर लीजिए लोगों को बताइए कि कितना काम राज्य सरकार ने किया है गौरतलब है कि नीतीश कुमार के ऐसा कहने के तीन प्रमुख कारण दिखते हैं पहला कारण कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बाबत फैसला लेने में देरी ना करें पटना में तेईस जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में बड़े मुद्दों पर फैसले हो जाएंगे फैसले लेने में देरी विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचा सकती है दूसरा कारण राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कामों में तेजी लाने के खयाल से उन्होंने ये बात कही हो तीसरा कि कहीं लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में तो नहीं है नीतीश चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है नीतीश कुमार चाहेंगे कि विपक्षी एकता बनने की स्थिति में विधानसभा का चुनाव कराने पर अधिक फायदा हो सकता है बताते चले कि नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है कि उनके जनाधार में गिरावट आई है उनका लव कुश समीकरण छिन्न भिन्न हुआ है तो मुसलमानों का जेडीयू से अधिक आरजेडी पर भरोसा हो गया है बीजेपी ने दलित नेताओं की गोलबंदी कर दी है यानी नीतीश कुमार के जदयू के दो लोकसभा चुनावों में जो औसतन अट्ठारह से उन्नीस प्रतिशत वोट मिले थे अब उसमें कमी आई है इसलिए किसी गठबंधन या दल के साथ की अभी सर्वाधिक जरूरत नीतीश को ही है जो विपक्षी एकता के बहाने पूरी की जा सकती है लोकसभा का चुनाव बीजेपी समय से पहले नहीं कराएगी इस बात के संकेत इससे भी मिलते हैं कि दिसंबर तक अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी को राम लला के पूजन का न्योता भी भेज दिया गया है राम मंदिर बनाने का बीजेपी का पुराना संकल्प है बीजेपी भी जानती है कि राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर ही उसकी सीटें लोकसभा में दो से बढ़कर तीन तक पहुंची है दूसरा कारण यह भी कि केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोर्ट के लिए जो रायशुमारी का प्रयास किया है उसका लाभ भी बीजेपी लेना चाहेगी सच कहें तो बीजेपी की कोशिश होगी कि इसी बहाने वोटर दो खेमों में बट जाए और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की उसकी मुराद पूरी हो जाए यह काम जल्दबाजी का नहीं है इसमें कम से कम छह से आठ महीने का समय तो लगेगा ही रायशुमारी से पता चल जाएगा कि भाजपा अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है या नहीं साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं जिसको लेकर तमाम तैयारियां राजनीति के मैदान में की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कही जा रही कुछ ऐसी बातें हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं राजनीति के पैरों के तले की जमीन खिसका कर रख दी है ये बातें लोकसभा चुनाव को लेकर है जहां नीतीश कुमार बार बार ये कहते थक नहीं रहे कि समय से पहले इसी साल चुनाव कराए जा सकते हैं उनका ध्यान बिहार की विधानसभा चुनाव पर भी है जहां वो गठबंधन को कमजोर पड़ता हुआ नहीं देख सकते इसलिए एक के बाद एक चालें चलते ही जा रहे हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सचमुच सही होगी या नहीं फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही नमस्कार